हाय दोस्तों, सबको जय मसीह की। फिर से सबका स्वागत करता हूं। आज एक ज़रूरी बात मैं बोलना चाहता हूं। कोरोना वायरस जिसने पूरे पहले मैंने वीडियो में बताया, जिसने सबको डरा के रखा है, सबको बंद करके रखा है, ये एक डीपॉपुलेशन आइडिया है। सीक्रेट सोसाइटी और इल्यूमिनाटी सब मजाक उड़ा रहे थे इसके बारे में जब हमने वीडियो बनाया था, या बहुत लोगों ने कहा तो सब मजाक उड़ा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब सबको पता चलेगा, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी जैसे लोग हैं जो दुनिया को चलाते हैं। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो सच है वो सच है, सीक्रेट सोसाइटी मौजूद है। ये एक तरह बायो वार है दोस्तों, जो अभी चल रहा है। कोरोना वायरस थर्ड वर्ल्ड वॉर है, डीपॉपुलेशन पॉपुलेशन कम करने का प्लान है। आज पूरे इंडिया में कर्फ्यू लगाया हुआ है, जो बाहर नहीं निकल सकते एक तरह का लोगों को घर में ही रहना है ताकि वो सुरक्षित रहें। पूरा इंडिया बंद है, सब कुछ बंद है, मॉल वगैरह, कुछ स्कूल, सब कुछ बंद है। अभी हम सिर्फ मोबाइल इंटरनेट से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक वीडियो देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। हो सकता है आने वाला टाइम में वो भी बंद हो जाए, सोशल मीडिया बंद कर देंगे या व्हाट्सअप, ऐसा सब कुछ बंद कर देंगे, शायद इंटरनेट भी बंद हो सकता है। लेकिन टीवी चलता रहेगा और न्यूज़ मीडिया चलते रहेंगे, क्योंकि सब आपको पता ही है, बिके हुए हैं। सीक्रेट सोसाइटी से इंडियन गवर्नमेंट को एक ऑर्डर मिलेगा और वहाँ से न्यूज़ मीडिया को, फिर वो वही दिखाएंगे जो वो चाहते हैं कि हम देखें। हम भी वही करेंगे जो गवर्नमेंट करने को कहेंगे, बिना नहीं पूछेंगे क्या सही है क्या ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कहेगा तो हमें मानना पड़ेगा, वही करेंगे हम। टीवी में क्या दिखाएंगे? टीवी में मौत के बारे में दिखाएंगे, इतने मर गए हैं इस वायरस से, इतना अफेक्ट हो रहा है, इतने लोग यहाँ पे बीमार हो गए हैं, तो ऐसे डरावनी बातें आती रहेंगी। 30% लोग तो वैसे ही कमज़ोर होते हैं, वो वैसे ही देख देख कर इसे मौत की खबरें सुनकर डर डर के ही मर जाएंगे, और 30% और जो थोड़े एवरेज के होते हैं वो क्या करते हैं, इनको देख देख कर ही डर जाएंगे, और 40% जो स्ट्रांग होते हैं उनका क्या होगा। गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन घर घर जाकर क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे, सारे घर में एक एक घर में जाकर चेक करेंगे किस किस को कोरोना वायरस हो रखा है, अफेक्टेड है कि नहीं। अगर जो बंदा वायरस नहीं भी होगा ना, उसको भी घसीट कर ले जाएंगे, क्योंकि हम कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसको भी घसीट कर ले जाएंगे और वहीं ले जाकर मार देंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं या निकलेंगे उनको क्या कर रहे हैं, पुलिस वालों बहुत बुरी तरह मारे, लाठी चार्ज लगा रखा है, जो भी निकल नहीं सकते क्योंकि ये कर्फ्यू लगाया हुआ है, इसलिए कोई निकल नहीं सकते। दोस्तों ये एक प्रैक्टिस है, ट्रेलर की तरह है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेन पिक्चर तो अभी बाकी है, ये सिर्फ आपको आदत डलवा रहे हैं, घर पे रहो, घर पे बैठे रहो, ये आपके लिए सुरक्षित है, बाहर ना निकलो, बाहर निकलोगे तो मार पड़ेगा। ये अभी आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार, गवर्नमेंट तो हमारे लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलोगे या कि ये सही नहीं है, कुछ स्ट्राइक वगैरह होगा, तब ऐसे ही होगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे ऐसे ही मार पड़ सकता है, पुलिस वाले क्या ऐसे लाठी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो कहेगा वही हमें करना पड़ेगा। आप अपनी राय रख नहीं सकते गवर्नमेंट के सामने, इंसान सिर्फ गुलाम बनकर रह जाएंगे, ऐसे सीक्रेट सोसाइटी का प्लान है। उनका प्लान करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दृढ़ रहो, मत डरो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, सब खुदा के हाथ में छोड़ दो और विश्वास में बने रहो, क्योंकि हमें पता है सब कुछ होगा। रेवलेशन के बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह ने भी बोल रखा है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ, हिलर भास्कर, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। वो एक आयुर्वेदिक रेमेडी वगैरह बताते हैं, कि वो पैसे अगर नहीं लेते वो ऐसे ही बताते हैं, किसी भी बीमारी के लिए वो इलाज बता देते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे नेचुरल प्लांट है जो हम तमिलनाडु में जो पहाड़ों में है, जो इस बीमारी को हटा सकता है, क्योंकि वो इंक्रीज़ करता है इम्यूनिटी पावर को, रेजिस्टिंग पावर को बॉडी में इंक्रीज़ करता है, बूस्ट करता है, और ऐसे बीमारी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे वायरस के इलाज वगैरह बताते हैं, और वो इल्यूमिनाटी के बारे में बताते हैं, सीक्रेट सोसाइटी के बारे में भी बताते हैं, और उनको कई बार पुलिस ने अरेस्ट भी किया, और अब इस वक्त भी अरेस्ट कर लिया, और क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। एक आयुर्वेदिक सिद्ध डॉक्टर है जिनके पास कोरोना वायरस का इलाज है, उनके पास दवाई है। वो कहते हैं कि अगर मैं कोरोना वायरस इफेक्ट पेशेंट्स को ठीक नहीं कर पाया या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए मेरी दवाई से, तो मुझे फांसी दे देना, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। और उन्होंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उनके सामने भी पेश रखा कि अपना आइडिया रखा कि मैं ठीक कर सकता हूँ, तो ऐसे ऐसी बातें चल रही है। और वो कह रहे हैं कि मुझे धमकियाँ मिल रही है, मिनिस्टर वगैरह जो है, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे धमकियाँ मिल रही है कि मैं अपना आइडिया बंद रखूँ, ना दिखाऊँ।
तो ऐसे ऐसे बातें चल रही है। मैंने बताया ना हिलर भास्कर जो इल्यूमिनाटी आयुर्वेदिक रेमेडी वगैरह बताते हैं, तो उन्होंने ऐसे वायरस के नाम भी लिए हैं जो अभी तक आए नहीं है। वो कह रहे हैं मैं ऐसे वायरस पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे वायरस आएंगे, और अब दोबारा उन्होंने कहा कि 5 साल बाद 10 साल बाद जो वायरस आने वाले हैं, जो इल्यूमिनाटी एजेंडा इनका प्लान है, वो भी मैं लिस्ट बता सकता हूँ और उनका इलाज भी है मेरे पास। तो ऐसे ऐसे बोले, तो उनको इसलिए क्या पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया तमिलनाडु में। अभी अभी एक रीज़न न्यूज़ है। उन वायरसों के लिस्ट मैं भी बताना चाहता हूँ, एंथ्रैक्स, वेस्ट नाइल, सार्स, बर्ड फ्लू, इकोली, रैट फीवर, हंटा वायरस, इबोला, नीफा, कैनफील्ड, नागुगामी, एलिजुरम, ऐसे ऐसे वायरस के उन्होंने बताया जो आपने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ इनमें से कुछ है जो आ चुके हैं और वो कुछ आने वाले हैं, आने वाले टाइम पे 5 साल बाद या 10 साल बाद आ सकते हैं। तो अभी रिसेंटली एक और कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ, एक और वायरस चाइना से आ रहा है, हंटा वायरस, जो चूहे से फैल रहा है, रेड फीवर। तो इनका कहना है कि इसका भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन हिलर भास्कर ने कहा इसका भी वही इलाज है जो कोरोना वायरस का। तो चाइना के लोग कई सालों से चूहे, चमगादड़, सांप, डड्डू वगैरह खाते आ रहे हैं, लेकिन उनको कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक अब सब कुछ होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये सब प्लान है, डीपॉपुलेशन करने का प्लान है। अभी सांप से कोरोना वायरस आया, चमगादड़ से, अभी चूहे से, अभी हंटा वायरस आया, इसके बाद डड्डू से आएंगे, ऐसे ऐसे वायरस एक एक निकालते रहेंगे। ये कोरोना वायरस एक डेविल है, इसके पीछे शैतान का हाथ है, ये एक डेविल का नाम है और सीक्रेट सोसाइटी लूसीफर को ही मानते हैं, तो इसके पीछे शैतान का ही हाथ है। दोस्तों अभी चर्च वगैरह बंद पड़ा है, मस्जिद वगैरह बंद पड़े हैं, लेकिन शैतान एक चीज़ से खुश हो रहा होगा कि चर्च बंद हो गया, संडे सर्विस चल नहीं रही, उसको लगता है उसका प्लान धीरे धीरे कामयाब हो रहा है, लेकिन उसको परमेश्वर का प्लान नहीं पता। संडे चर्च नहीं जा पा रहे, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो देख लेते हैं, पास्टर्स के वगैरह वीडियो देख रहे हैं। अगर मान लो इंटरनेट भी बंद कर दिया तो क्या करोगे? हमारे पास एक वेपन है, एक हथियार है जो इन सब का सोल्यूशन है, बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल को पढ़ो, बाकी चीज़ छोड़ दो, कभी भी कुछ भी बंद हो सकता है, लेकिन बाइबल नहीं। बाइबल को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। आज मैं यूट्यूब में वीडियो डाल रहा हूँ, कल नहीं डाल सकता हूँ, कई और भी डाल रहे हैं नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, प्रे करना ज़रूरी है। प्रे करना क्या है, बस आपको पहले ही बताया कि बात करना, प्रे करने से दूर मत हटो, सिर्फ बात करो, जैसे दोस्त से बात करते वैसे यीशु मसीह से बात करो, बाइबल पढ़ो। आप सभी के मन में डर बैठा होगा, रैप्चर कब होगा, कहीं हम छूट ना जाएं, 7 साल में फंस ना जाएं, यही सब के अंदर डर होगा। रैप्चर पहले होगा, 7 साल के बीच में होगा या बाद में होगा, यही सब की चिंता होगी। जो कुछ भी हो, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यीशु ने कहा मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ अंत तक। सच बताऊँ मैं बिल्कुल नहीं डर रहा, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम डरें, इसलिए मैं नहीं डरूंगा, इसलिए आप भी मत डरिए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कि कैसे रहेंगे, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपके साथ है तो इंसान और शैतान हमारा क्या बिगाड़ सकता है। मैं इंसान हूँ, अगर मुझ पर कोई विश्वास या ट्रस्ट करता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसकी मदद करूंगा, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रे करो, प्रार्थना करो। तो मैं कैसे छोड़ दूंगा? अगर मैं ही नहीं छोड़ूंगा तो परमेश्वर तो बहुत ही अच्छे हैं, अति उत्तम है, तो वो कैसे आपका साथ छोड़ देंगे, कैसे आपको इस परिस्थिति में छोड़ देंगे, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए विश्वास में बने रहो, मत डरो, डर बिल्कुल निकाल दो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो डाउनलोड करके रख लेना, कुछ भी हो सकता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।